राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन और मनरेगा की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए महिला समूहों को ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के द्वारा खुद का बचत करने के साथ महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने तथा मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सीआईबी बोर्ड का जो निर्माण है क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें बताइए। सीआईबी बोर्ड से काफी के समूह बनाते हैं पक्का है सर, पिछले सत्र के हैं इसमें अभी सर आठ हुए, उसका एक कारण ये मुख्य कारण कि अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है समूह का। क्या आपका कितना बने बोर्ड और इनके सर को दिया जाता है पत्र, जैसे ही वो देते हैं हमें डिमांड हम सप्लाई करते हैं। आप बताइए इस साल पिछले साल का भुगतान हो गया, इस साल के कितने बजे एक डेढ़ साल के बाद पहुँच जाते हैं साल में नहीं हुआ और किस लोगों को। मीटिंग जो है आज जो ब्लॉक मिशन मैनेजर जो हमारे जीविका मिशन NRLM को देखते हैं उनको बुलाया गया है और इसमें जो DM सर द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो हमें हर प्रत्येक GP में दो समूहों को आइडियल समूह बनाना है, जिनको जो बने हुए हैं उनकी बचत बढ़ानी है, जहां नहीं बने हुए हैं वहां बना के उनको बचत के लिए प्रेरित करना है और उनका जो RFCF दिला के बैंक से लिंकेज करके क्रेडिट देते हुए और उनको लोनिंग की फैसिलिटी देनी है। इसके बाद उनको कहीं ना किसी जिसमें वो इच्छा प्रकट करेंगे ट्रेनिंग देके उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट से लिंक करना है और जो कन्वर्जेंस के माध्यम से जो मनरेगा में काम करना चाहेंगे हम उसमें मेट के द्वारा उनको वहाँ काम दिलाते हुए रोज़गार देते हुए ताकि वो बचत कर सकें और समूहों को हम जीवित करते हुए उनसे उनके जीविका को बढ़ा सकें। इसके सापेक्ष हम मीटिंग कर रहे हैं और एक एक BM को इसके लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं जिसको डेली मॉनिटर किया जाएगा। एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, गूगल शीट बनाई गई है जिससे डेटा डेली मंगा के हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली मंथली बेसिस पे और अपने टारगेट्स को अचीव करें। बचत किस तरह करेंगे सर? बचत के लिए जैसे उनका जब हम रोज़गार के साधन देंगे, जैसे हमने सबसे पहले तो कन्वर्जेंस करेंगे मनरेगा के साथ, जो समूह की महिलाएं पशुपालन में काम करना चाहती है जैसे गोट शेड बनाएंगे तो उसमें मनरेगा की मजदूरी उनको मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी और स्कीमें हैं कन्वर्जेंस करते हुए ताकि उनकी इनकम शुरू हो जाए और इनकम के बाद उसमें से बचत के लिए प्रेरित किया जाए।